नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। बीएड बीटीसी वर्सेस जो केस चल रहा था, इससे रिलेटेड जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तब से बीएड वाले बच्चों का मनोबल एकदम डाउन हो चुका है। वो कई बार फोन कर मुझसे पूछ रहे हैं, सर अब क्या करें, आगे क्या होगा। इतनी मेहनत से उन्होंने केवीएस की तैयारी की, एग्जाम दिया, मार्क्स भी अच्छे आए, और अब उनको ये लग रहा है कि अब हमारा रिजल्ट क्या होगा, क्या हम सेलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। 150, 140 से ऊपर भी मार्क्स लाने के बाद भी बच्चे अपने मेहनत की वजह से नहीं, बस एक बोल सकते हैं किस्मत की वजह से जो केस चल रहा था उसके डिसीजन से उनके भविष्य पर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा गया। अब आगे क्या होगा, ऐसे ही जब बिहार शिक्षक भर्ती की अगर बात किया जाए, अभी 24 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो बच्चे ये आप सोच रहे हैं कि अब एग्जाम देने जाएं या ना जाएं, बीएड वाले जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इसके आगे कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है कि मनमानी कर सकता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर हम जाएं भी, परेशान भी हों और मिलने को कुछ भी ना मिले तो फिर भी दिक्कत है। अब बिहार गवर्नमेंट ने क्या कहा है, मतलब बीपीएससी की तरह से क्या प्रतिक्रिया हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एनसीटीई क्या कर रही है आपके लिए, उसकी भी लगातार जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, एनसीटीई की कल भी मीटिंग चली, आज भी मीटिंग चल रही है, क्या गैजेट आने वाला है 2018 के बाद, नया गैजेट आएगा एनसीटीई का, क्या सुधार होगा, क्या रास्ता निकालेगी एनसीटी, अब देखते हैं। बच्चों का कहना है, पूछ रहे थे सर कि क्या अब कुछ नहीं हो सकता, सभी रास्ते बंद हो गए हैं, बीएड वाले क्या अब पीआरटी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे, क्या केवीएस पीआरटी का रिजल्ट बीएड वालों का नहीं आएगा, सीटेट 2023 जुलाई का जो एग्जाम होना था क्या उसमें हम एग्जाम देने जाएं या ना जाएं 1 से 5 तक। और अभी सोशल मीडिया पर एक सबसे ज्यादा आपका फाइल रहा है कि सीटेट 2022 का जो आपका सर्टिफिकेट था वो अमान्य हो गया है, कुछ ऐसे कटिंग जो है वो अफवाह में है कि क्या है, इसकी ऑथेंटिकेशन आप लोग खुद कर सकते हो जो लोग सीटेट 2022 दिए हैं। इन सभी पर चर्चा आज हम करेंगे। जितने भी बच्चे हैं ध्यान से सुनिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। कल बीएड वालों बच्चों ने बहुत मेहनत किया, जबरदस्त मेहनत किया, और जो हैशटैग था वी नीड पीआरटी, वी नीड बीएड इन पीआरटी, वो काफी एक नंबर पे आपका ट्रेंड भी किया। तो आगे सुप्रीम कोर्ट के आगे अब क्या हो सकता है, किसकी चल सकती है, तो आप भी जानते हो अब इसमें यही होगा कि अगर ये बात गवर्नमेंट के, ठीक है, सरकार के कानून तक पहुंचे, फिर वो कोई रास्ता निकाले, वो कोई कानून बनाए, तभी अब कुछ पॉसिबल हो सकता है। एनसीटीई अपने गजट में कोई रास्ता निकाले, कुछ बोले कि इसके थ्रू कि ब्रिज कोर्स पहले करा दिया जाए तो ये प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो, जैसे एनसीटीई ने 18 में गजट का निकाला था कि सिलेक्शन के बाद 6 महीने के अंदर आपको, 2 साल के अंदर आपको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, जो पीआरटी में पीआरटी के लिए जो बीएड वाले अप्लाई करते थे उनके लिए एक रास्ता निकाला था। तो ऐसा कुछ, अब सब कुछ एनसीटीई पर डिपेंड कर रहा है और गवर्नमेंट आपकी सरकार पर डिपेंड कर रहा है कि क्या कोई कानून इससे रिलेटेड पारित होगा। तो इसके लिए जितने भी बीएड वाले हैं वो अगर एकजुट होकर कुछ कार्य करते हैं, जैसे ट्विटर ट्रेंड किया, अच्छा हुआ ट्विटर ने, ट्विटर पे आप लोगों की मांगे जो है ट्रेंड की, ऐसे ही कुछ मांगे अगर आपकी होंगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ हो सकता है, या दूसरी बात कि पीआईएल डाल के फिर से उस केस को रीओपन किया जाए, उसके सभी पहलुओं को देखा है। तो बेसिकली ये सब चीजें एक लंबा समय और हर चीजें हैं, अभी तो जो जजमेंट आया है उसी के बेसिस पे हर चीजें होंगी। अब रही बात आप सभी की कि सर क्या हम बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने जाएं या ना जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे प्राइमरी लेवल पे फॉर्म वहां पर फिल किए हैं,
सीटेट के बेसिस पर ही फॉर्म फिल किए हैं, सीटेट क्योंकि सीटेट ही मांगा था, तो अदर स्टेट वाले बच्चे तो इसी के बेसिस पर किए हैं। और मैक्सिमम हम भी सब लोग जानते हैं कि बीएड वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है अब वो उनका मन बदल रहा है कि अब क्यों इतने मेहनत से जाएं फिर से केवीएस की तरह, इसमें भी ना ऐसा कुछ हो जाए। तो मैं बता दूं अभी बिहार अतुल जी का जो आपके बीपीएससी के चेयरमैन साहब का जो ट्वीट आया है, तो ट्विटर पे उन्होंने कुछ कहा है। पहली बात तो स्टे को लेकर था ट्वीट उन्होंने किया, तो कहा कि कोई भी स्टे नहीं होगा एग्जाम में, स्टे आपका अभी 6 घंटा पहले का ट्वीट है उनका। स्टे के बारे में उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई एग्जाम में स्टे नहीं होगा और कोई भी बदलाव अभी जो है एग्जाम की प्रक्रिया में नहीं किया गया है। ठीक है, कोई भी प्रक्रिया में बदलाव अभी तक नहीं किया गया है, आगे अभी क्या होगा इसका मतलब कि अभी उसमें कोई भी बदलाव नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि बीएड वालों का एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ है, सबका एडमिट कार्ड जारी हुआ है। अब क्या करना चाहिए वो मैं अंतिम में बताऊंगा आप सभी को, ठीक है, आप सभी को वो चीजें मैं अंतिम में बताऊंगा। तो अभी ये ध्यान रखिए कि बिहार के तरफ से कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। अगर हम बात करें कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट क्या रहेगा, जो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट इतने दिनों से रुका हुआ था वो किस लिए था, कहीं ना कहीं कारण एक आपका केवीएस पीआरटी के रिजल्ट का ये भी था कि बीएड बीटीसी वाला विवाद भी था कि ये इसका डिसीजन अगर आ जाता है तो उसके बाद से रिजल्ट को दिया जाए, क्योंकि उसमें साफ साफ भी लिखा भी था फॉर्म फिल करते समय कि जो बीएड वाले हैं इनका जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डिपेंड करेगा। लेकिन बच्चे जब मेहनत करते हैं उसके बाद से उनके मार्क्स अच्छे आते हैं और पूरी जिंदगी की सवाल होता है नौकरी का, और उसके बाद से कोई आदेश आ जाए और सीधे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए तो बहुत ही अफसोस होता है, बहुत ही दुख होता है। तो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट तो बन के तैयार है, अब देखते हैं कि क्या होता है। अब इसमें भी कई प्रोसीजर है, अभी भी कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं है इन सब चीजों पर। अब वो चीजें वहां पे कमिश्नर लेवल पे जाएंगी केवीएस की, उसके बाद से वो मिनिस्ट्री लेवल पे जाएगी, फिर वहां से जो है एक तरह से अप्रूवल मिलेगा कि क्या किया जाए, तब जाके ये आपका जो भी होगा उस रिजल्ट को पब्लिश करेंगे। रिजल्ट बन के तैयार है, बस बेसिकली अब ये देखना है कि क्या बीएड वालों का भी रिजल्ट आता है या उन्हें हटा के सिर्फ डिप्लोमा वालों का आता है। जैसा आदेश है उसके अकॉर्डिंग तो यही है, और जो नोटिफिकेशन में लिखा था उससे तो यही पता चलता है कि बीएड वालों का रिजल्ट हो सकता है ना आए। लेकिन अभी अपने होप को बनाए रखिए, बस ये मैं कह सकता हूं। बाकी प्रक्रिया जो है वो संस्था क्या कर रही है, किस हिसाब से कर रही है चीजों को, वो डिपेंड करता है। एनसीटी की मीटिंग जो हुई आपकी, इसी को रेखकर जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, अब ये अपना नया गजट ले आएगी, क्या गजट में रास्ता निकालती है आखिर बीएड वालों के लिए या डीएलएड वालों के लिए, अब नया क्या आता। जैसे 2018 में आपका ब्रिज कोर्स का एक ऑप्शन दिया गया था, तो अब बीएड वालों को क्या पूर्ण रूप से ही एकदम रास्ता बाहर है या कुछ इनके नियमावली में चेंजेस आएंगे। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि बीएड वाले अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, टीजीटी पीजीटी ये सब में तो आप एलिजिबल है ही हो, टीजीटी में अपर प्राइमरी में एलिजिबल हो। अब प्राइमरी के लिए ही सबसे बड़ी दिक्कत है, जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी का आती है, मानना यही है बच्चों का कि चाहे वो किसी भी स्टेट में प्राइमरी की ज्यादा वैकेंसी आती है, अपर प्राइमरी आती नहीं है, इस वजह से बीएड वाले काफी दुखी में है। अब एनसीटीई की मीटिंग लगातार चल रही है, देखते हैं इनका डिसीजन क्या आता है, क्या ये नया गैजेट पास करते हैं और उस गैजेट पे गवर्नमेंट का क्या अप्रूवल होता है, क्योंकि अब जो भी होगा वो आपके सरकार के कानून बनाने पर ही निर्भर करता है कि क्या सोचती है सरकार आपके बारे में। ठीक है, तो इन चीजों के ध्यान रखिए, केवीएस पीआरटी का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, अब इतना ध्यान रखिएगा, थोड़ा सब्र बनाए रखिए। अब आते हैं हम लोग कि सीटेट वाले क्या करें, जो सीटेट 2023 जुलाई का देने वाले हैं, प्राइमरी वाले 1 से 5 जो बीएड वाले हैं वो एग्जाम दें या ना दें 20 तारीख को। अभी एक फेसबुक पे काफी वायरल हो रहा है पोस्ट
जिस पे लिखा है द सर्टिफिकेट शैल अबाइड बाय द आउटकम ऑफ फाइनल डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये आपके 2022 ने जिन्होंने दिया था एग्जाम, वो एक बार डिजी लॉकर पर जाके इसको ऑथेंटिकेट करें और कमेंट करके बताएं। डिजी लॉकर पे आप लोग सभी लोग जाइए, ये फेसबुक पे काफी फैल रहा है कि सीटेट 2022 का सर्टिफिकेट अमान्य कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेशों अनुसार। जो 1 से 5 तक प्राइमरी लेवल पे जो बीएड वाले थे उनका सर्टिफिकेट ऐसा कुछ लिख के आ रहा है उनमें। तो क्या ये न्यूज सही है जो ये चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है? ये आप खुद ऑथेंटिकेट करके जितने लोग भी 2022 वाले हैं, 2021 वाले नहीं 2022 वाले जितने लोग हैं, वो एक बार डिजी लॉकर ओपन करके आप चेक करिए कि आपके सर्टिफिकेशन में ऐसा कुछ लिख के आ रहा है। नहीं लिख के आ रहा तो आप वैलिड हो, तो ये फेक होगा। अगर लिख के आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि जब सीटेट ही इनवैलिड हो गया उनके लिए, तो फिर बिहार जाना बिहार वाले क्यों नहीं नोटिस जारी कर दे रहे हैं? अगर 22 का सीटेट स्कोर जो, अगर ये इसकी सच्चाई हुई जो ये वायरल हो रहा है, अगर ये सच में ऐसा हो रहा है, तो मैक्सिमम बच्चे तो 22 वाले हैं, उनका अगर बीएड का प्राइमरी लेवल में ऐसे सर्टिफिकेट में लिख के आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो बिहार के लिए तो इनवैलिड हो ही गए ना फिर से। तो बिहार गवर्नमेंट को भी अपने तरफ से भाई परेशानी ना हो, बच्चों को कुछ नोटिस निकाल देना चाहिए, बाद में आप बाहर करो, इससे पहले आप पहले से ही बता दो, बच्चे इतनी परेशानी सह के जाए ना। जो भी चीजें हो भाई क्लियर बता दिया करें, क्लियर बता देंगे तो कहीं जाहिर सी बात है बच्चों की जो चीजें हैं मांस मेंटली एक तरह से वो प्रिपेयर हो जाएंगे हर चीज को लेकर। तो एक बार आप जो भी लोग भी हैं जो देखेंगे अपना अपना रिजल्ट, भाई सीटेट वाला जो 2022 का सीटेट हुआ था ना, उस सीटेट का 2022 का एक बार आप लोग डिजी लॉकर पे खोल के देखिए कि क्या आपके सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ लिख के आ रहा है। ऑथेंटिकेट आप खुद ही करिए कि ये फेक है या ओरिजिनल है। काफी वायरल हो रहा है ऐसा फेसबुक पे, हर जगह व्हाट्सएप पे भी मेरे पास मिला, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा दिया। तो एक बार आप लोग ऑथेंटिकेट कर लीजिएगा। तो आप सीटेट वाले अगला एग्जाम दें या बिहार देने जाएं या ना जाएं, ये मैं कहता हूं कि चलो अगर आप, मेरा एक बाकी आपका थॉट्स है, मैं एक बोलूंगा कि अगर आपने प्रिपेयर किया है, 4-10 दिन बचा हुआ है, प्रिपरेशन किया है आपने, सीटेट का भी किया होगा और बिहार का भी किया होगा, एग्जाम दोनों आपके पास लगे हुए हैं, तो भाई मैं तो कह रहा हूं कि दे दो, एग्जाम देने में कुछ नहीं, एग्जाम दे दो। एग्जाम जो है आपको, मैं यही कहूंगा कि आप सभी एग्जाम दो, एग्जाम में जरूर जाओ, एग्जाम में जरूर जाओ, ठीक है। एग्जाम में आप सीटेट हो चाहे बीपीएससी टीचर वाला हो, बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हो, आप सभी लोग एग्जाम दो, क्योंकि जब आप मेहनत किए हो तो जाओ, फिर आगे जो होगा तो पता ही है आप सभी को कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, लेकिन अगर आपने मेहनत किया है तो एटलीस्ट आप जरूर जाइए, ठीक है। बस मैं इतना कहूंगा, बाकी अगर गवर्नमेंट कोई नोटिस निकाल देगी तो एक मेंटली आप लोग भी प्रिपेयर हो जाओगे, क्योंकि अभी भी असमंजस की कुछ ना कुछ स्थिति बनी हुई कि क्या होगा, ना एनसीटीई का कोई जवाब आ रहा है, ठीक है, ना ही जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है उसका कोई जवाब आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कुछ एडमिट कार्ड भी होता कि खाली बीटीसी वालों का है, बीएड वालों का है, तभी आप मेंटली प्रिपेयर हो। अभी कहीं ना कहीं आप लोगों में भी अगर मैं बोल दूं कि ना जाओ और कल का कुछ ऐसा बदलाव हो गया तो फिर तो मुझे दोष दोगे। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि चले जाओ, जब तक कोई नोटिस नहीं आ रही है आपके एनसीटी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, आपके बीपीएससी या सीटेट की तरफ से, तब आप जाइए एग्जाम को दीजिए जब आपने तैयारी किया है, और बाकी जो होगा उसको आगे के लिए छोड़ दिया जाता है कि क्या गवर्नमेंट इस पर फैसला लेती है। लेकिन जितने बीएड वाले हैं, अगर अपने आप को प्राइमरी में चाहते हो तो कहीं ना कहीं एकजुट होकर गवर्नमेंट, अब एक ही चीज बचा हुआ है भैया, वो है आपका कि गवर्नमेंट इस पर कुछ एक्शन ले, कोई विधेयक लेकर आए, कोई कानून पारित करे इसको लेकर, तभी कोई रास्ता निकल सकता है। बाकी आप सभी लोग जो भी बीएड वाले बच्चे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि आगे आपके लिए ऐसा नहीं है कि सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, हाँ
अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम हो गई है। जैसे अपर प्राइमरी की बात करें, अपर प्राइमरी में हर कोई भी स्टेट हो, जैसे यूपी स्टेट की अगर हम बात करें तो यूपी स्टेट में अपर प्राइमरी में कई सालों बाद, यूपी में अगर हम बात करें, यूपी स्टेट की बात करें तो कई सालों बाद इसमें भर्ती देखने को मिलती है अपर प्राइमरी में। प्राइमरी अब आती भी है तो बहुत कम आती है। तो यही बात है, मैक्सिमम आपको जो मिलेगा वो टीजीटी मिलता है और पीजीटी मिलता है, यही आपको ज्यादातर मिलता है। सेंटर में भी देखने को मिलता है और स्टेट में भी। सेंट्रल में भी 6 से 8 की वैकेंसी बहुत कम ही देखने को मिलती है। तो यही है कि एक बड़ा जो चंक था भर्ती का, वो चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, उससे आप वंचित रह गए। लेकिन अभी भी रास्ते बंद नहीं हुए हैं, आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ईश्वर आपकी सुने और सरकार तक आपकी बातें पहुंचे तो कुछ इस पर एक्शन हो। बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जब तैयारी आपकी हो चुकी है सीटेट की बिहार की तो ज़रूर एक बार मेरे कहने पर, जब तक नहीं नोटिस आ रहा है तो एक बार एग्ज़ाम दे ही आओ, घूम आओ, थोड़ा माइंड भी फ्रेश होगा। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए। कोई भी अपडेशन अगर हमें भी मिलता है, NCT की भी मीटिंग लगातार चल रही है, तो मैं ज़रूर आपके समक्ष आऊँगा कि क्या निर्णय लिया गया NCT के द्वारा और गवर्नमेंट तक ये क्या बातें पहुँच रही हैं। BED वर्सेस BTC का जो इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि BED को सीधे बाहर कर दिया गया प्राइमरी से, तो इन सभी पर जो भी अपडेट मिलती रहेंगी मैं ज़रूर आपके समक्ष आऊँगा। निश्चिंत रहिए, मैं आप सभी के साथ हूँ, चाहे वो BED हो चाहे BTC हो, सबके साथ हैं भाई। हमारे लिए सभी लोग आप स्टूडेंट ही हो, तो जो भी आपकी दिक्कत हो एक बार ये ऑथेंटिकेशन चेक कर लीजिएगा कि आपके सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ लिख के तो नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।